आतंकी मसूद अजहर को अजहर जी का संबोधन देकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ऐसी गलती कर दी है कि बीजेपी के तमाम नेता राहुल गांधी पर हल्ला बोल पर उतर आए हैं। यह बहुत ही शर्म की बात है कि आज राहुल गांधी ने अपने भाषण में मसूद अजहर जी कहा है। किसको? जो एक दुनिया का बड़ा आतंकवादी है। किसको? जिसने सैकड़ों हिंदुस्तानियों की आतंकवाद में हत्या करवाई है। किसको? जिसने कई हमारे सेना के जवानों को बलिदान करवाया है। छोटी सी बात भी, इट्स अ कॉमन सेंस। जब बहुत ही जिम्मेवार व्यक्ति आए थे, कह रहे हैं कि साबुन का इस्तेमाल करिए, मैं उनको कह रहा हूँ कि उनको साबुन का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ये एक चीज़ जो व्यंग में कही गई कि भाई आप इसीलिए वहाँ पे छोड़ के आए कि आपके लिए वो जी थे, अगर व्यंग में सार्कास्टिकल अगर किसी ने कह दिया, कम से कम यू नो दी अलेक्जेंडर को बिहार में तो नहीं दिखाया, या टक्सशिला को बिहार में पाकिस्तान की जगह तो नहीं दिखाया। देखिए, कांग्रेस की आदत बन गई है कि देशभक्तों का अपमान और आतंकवादियों का सम्मान, देश के प्रधानमंत्री को गाली और आतंकवादियों को ताली, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ये जरूरी नहीं है किस नाम से बुलाओ। अजहर मसूद जो है वो हिंदुस्तान के लिए और कश्मीर के लिए, विशेष रूप से पूरे देश के लिए भी, और देश के अंदर जो हमारा प्रदेश है जम्मू कश्मीर, आतंक के द्वारा एक बहुत बड़ी मुसीबत बनी। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार आतंकी संगठनों को और मशहूर आतंकियों की सम्मान किस प्रकार करती है, यह राहुल गांधी से मुंह से भी ये निकल गया। पहले वो किसी और से इस प्रकार के बयान दिलवाते थे, कभी दिग्विजय सिंह के द्वारा, कभी सुशील कुमार शिंदे जी के द्वारा, और विश्व में राहुल गांधी के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होगा जो मसूद अजहर को भी इतने इनकी गौरव के भाव से पुकारते। ये खाली इस प्रकार के बातें करके गुमराह करें, देश को गुमराह कर रहे हैं। दुनिया जानती है कि आतंकवाद का मुकाबला करते करते इंदिरा गांधी ने अपनी जान दे दी है, राहुल गांधी की दादी ने जान दे दी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए आतंकवाद का मुकाबला करते करते, और देश को एक जगह अखंड रखा, खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी भी आतंकवाद के शिकार हो गए, उनके बारे में ऐसी सोच पैदा करना ही मैं समझता हूँ महापाप है। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।